भीषण गर्मी और कोरोना लॉकडाउन का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिखने लगा है। भूख प्यास से बेहाल पक्षी अब तेज धूप में गश्त खाकर जमीन पर गिरने लगे हैं। खंडवा में कोरोना संक्रमित खड़गपुरा कंटेनमेंट एरिया में एक चील इसी तरह आसमान से जमीन पर आ गिरी। दरअसल मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल इस समय तेज गर्मी से झुलस रहा है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे आम लोगों के साथ ही पशु पक्षियों का भी जीना मुहाल हो गया है। खंडवा के कोरोना संक्रमित खड़गपुरा कंटेनमेंट एरिया में स्थित नाई अवार में एक पक्षी अचानक जमीन पर आ गिरा। लोगों ने इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल निढाल पड़ा रहा। मरने जैसी हालत में पहुंच चुके इस चील को तत्काल रेस्क्यू किया गया। वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क कर इस चील को बचाया गया। हम लोग सूचना मिली थी कंटेनमेंट एरिया नई आवाज करके है, वहाँ पे एक पक्षी घायल होकर गिर गया। हम लोग वहाँ पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि एक चील है और डिहाइड्रेट होके मतलब पानी से मुंचे होकर गिर गई। उसके शरीर में कोई घाव वगैरह नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको प्राइमरी जो हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, पानी वगैरह पिला के जो इलेक्ट्रोलॉजी जो भी हमारा था वो करके यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पे डॉक्टर को साहब को दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद में उन्होंने बताया कि कुछ खास दिक्कत नहीं, डिहाइड्रेट है, कल सुबह तक रिकवर हो जाएगा। अभी काफ़ी 50% से ऊपर हो गया, सुबह इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस गर्मी के अंदर ये पक्षी जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कई बार गिरते रहते हैं डिहाइड्रेट होकर, और हम लोगों का ये इस सीजन का मतलब लॉकडाउन के बाद से करीब बताएं ये क्या किस तरह का बर्ड है और क्या हुआ था। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुझे सूचना मिली कि खड़गपुरा एरिया में ब्लैक काइट, इंडियन ब्लैक काइट, ये ईगल की प्रजाति है, ये वहाँ पर पड़ी हुई थी ज़मीन पे, और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से लोगों ने देखा तो उसको किसी प्रकार का कोई घाव नहीं था। उसके बाद मुझे सूचना दी तो पशु चिकित्सालय में, पॉली क्लिनिक में, यहाँ पर मैंने इलाज करना चालू किया इसका। मैंने पाया कि जो बर्ड था वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड था, क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त 42-43 जा रहा है खंडवा में, और दूसरा डिहाइड्रेशन के कारण उड़ते उड़ते ये गिर गया, अपेरेंटली यही प्रतीत होता है। और जब इसको ओरली इलेक्ट्रोल दिया हमने तो ये थोड़ा सा सेंसेशंस इसमें वापस आने लग गए और पंख फड़फड़ाने लग गया और काफ़ी एक्टिव हो गया। उसके बाद हमने सब क्यूटेनियसली इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, जिससे अभी काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। बता दें कि खंडवा में पशुओं के इस तरह घायल होने का ये 19वां मामला सामने आया है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।